नमस्कार दोस्तों, मैं चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार फसल क्षति अनुदान योजना है, तो देखिए कैसे आपको मिलेगा। पूरा डिटेल इसमें कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, पूरा डिटेल भी तो में रहेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, यहाँ बाढ़ या राष्ट्र के तूफान के 28 जिलों में फसलों को अधिक नुकसान के चलते, जिसमें बाढ़ में इस्लामा बहुत ऐसे जिले हैं जो दोनों आपदाओं से किसानों को फसल बहुत हद तक नुकसान हुआ है। नुकसान की भरपाई की जा रही है, प्रभावित जिलों में सूची जारी हुई है, जिस भरपाई के लिए आवेदन कर सकते हैं जो फसल नुकसान हुआ है। इसी जारी पूरी जानकारी है, जानकारी के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे वीडियो के लिए नया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बिहार फसल क्षति अनुदान योजना, 28 जिले जो बाढ़ या से प्रभावित है, 13 जिले में यास या बाढ़ का प्रभाव रहा है। 5 लाख हेक्टेयर की फसल को नुकसान हुआ है, 700 करोड़ का नुकसान लोगों का अनुमान है। यास तूफान से 100 करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई है, बाढ़ से हानि का अंतिम आंकड़ा नाना अभी बाकी है। बिहार फसल क्षति अनुदान 2021 प्रभावित जिलों की सूची क्या है, पटना है, दोनों 28 जिलों दोनों आपदाओं से, यानी कि या तूफान और बाढ़ से, दोनों से पटना, भोजपुर, बक्सर, पश्चिम चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, अरवल, जयपुरा, अररिया, नालंदा, जिला भभुआ, गया, जहानाबाद, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर। किस जिले में किस आपदा से नुकसान हुए, देखिए यहाँ पे 28 जिलों में जो प्रभावित हुए, जिसमें 13 जिले पटना, भोजपुर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, ऐसे जहाँ जिले पर दोनों आपदाओं को प्रकोप को झेला है। और अरवल से पूरा बाढ़ से अधिक बहुत नुकसान नहीं पहुंचा है, परंतु यहाँ के फसलों को यार तूफान बहुत प्रभावित किया था। और नालंदा, भभुआ, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण से फसल किसानों को सिर्फ बाढ़ को झेला है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे आपको ऑफलाइन ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे जाना है, तो यहाँ पर देखिए आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है किसान कितना है यहाँ पे। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को हमारे जरूर जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल हमेशा विजिट करते रहिएगा, जिससे कि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन मैं आपको हमेशा लाता रहता हूँ। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।